उत्पादन में नंबर वन पर है, लेकिन अगर प्रति पशु दूध उत्पादन की बात करें तो वो बहुत कम है। डेयरी एक्सपर्ट्स की माने तो प्रति पशु दूध उत्पादन बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर पशुपालन के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो डेयरी में दूध उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है और पैसा भी डबल किया जा सकता है। हाल ही में आनंद गुजरात में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय लाभदायक डेयरी के लिए रणनीतियां था, जहां डेयरी एक्सपर्ट्स ने दूध उत्पादन बढ़ाने वाले कई बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। वहीं डेयरी सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी पर भी चर्चा की गई। वहीं महिलाओं को और सशक्त बनाने के बिंदुओं पर भी चर्चा हुई। गौरतलब रहे इस सेमिनार का आयोजन इंडियन डेयरी एसोसिएशन गुजरात चैप्टर द्वारा किया गया था। सेमिनार के दौरान डॉक्टर आर ओ गुप्ता, वरिष्ठ महाप्रबंधक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बताया कि फायदेमंद डेयरी के लिए किसानों को उच्च अनुवंशिक योग्यता वाले बैल का वीर्य प्रजनन के लिए अपनाना चाहिए। इतना ही नहीं, पशुओं के लिए वैज्ञानिक आधार पर तय फीड फोडर और देखभाल के तौर तरीकों को अपनाना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता का कहना था कि इलाज से बेहतर रोकथाम है, इस बात को हर एक पशुपालक को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए और इसी पर चलते समय से पशुओं का टीकाकरण कराना चाहिए। इससे पशु का विकास भी होता है और उसकी उम्र भी बढ़ती है। वहीं इस समय से पशुओं को पेट के कीड़ों वाली दवा खिलानी चाहिए। गाय पालन में काउ बेल का इस्तेमाल करने की सलाह भी दी गई। इसके बारे में बताया गया कि ऐसा करने से हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में वक्त रहते पता चल पाता है, जिससे बीमारियों पर होने वाला खर्च तो बचता ही है, साथ ही पशु भी परेशानी से दूर रहता है और इसके उत्पादन पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। सेमिनार में आए लोगों ने उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा संचालित 1962 ऐप का उपयोग करने की भी अपील की। रिपोर्ट फसल क्रांति न्यूज़।